क्लास में मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो, हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ हैं, तत्वों के आवर्ती गुण, है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा जो चैप्टर है, इसमें मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बच्चों पढ़ाया हुआ था। तो बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता के प्रकार के संदर्भ में जानकारी दे रहा हूँ। बच्चों याद रखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः जो है वो तीन प्रकार की होती है, ठीक है। उसकी जो तीन प्रकार है वो आपके सामने, सबसे पहली होती है प्रथम इलेक्ट्रॉन, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। बच्चों इसका दूसरा है द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। बच्चों इसका तीसरा है तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रखिए, हमारे पास ये तीन प्रकार की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। चलिए आगे चलेंगे जल्दी से, हम प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता के संदर्भ में जानकारी लेंगे कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, बच्चों अगर मैं आपको प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जानकारी दूं, तो मैं बहुत साधारण सा एग्जांपल लेता हूं, फ्लोरीन 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं 2 और 7। बच्चों इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाभिक हैं, ठीक है, ये नाभिक हैं, पहला कोश, दूसरा कोश, चूंकि इसके पास 2 कोश हैं, इसके इलेक्ट्रॉन मैं आपके सामने दर्शा देता हूं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस तरह से, जबकि बच्चों इसके बाद वाले में 7 इलेक्ट्रॉन हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन हैं। बच्चों इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को बांधना चाहते हैं, तो मेरे पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। मैं चाहता हूं इस इलेक्ट्रॉन को इस फ्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कोश में मुझे प्रवेश कराना है। ऐसा करने के लिए क्या करूंगा बच्चों, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना आउटर सरफेस में, मैं इन 7 इलेक्ट्रॉन से थोड़ी थोड़ी ऊर्जा क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा, है ना। ऊर्जा क्या करनी है मुझे, निकालनी पड़ेगी, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, थोड़े से सुस्त हो जाएंगे, ठीक है, ये लेजी हो जाएंगे, और आने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर उनका जो प्रतिकर्षण प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और ये सरलता से इसके अंदर क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है बच्चों, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा, ये अपने साथ जितनी ऊर्जा लेकर जाएगा, ये सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, ऊर्जा शेयर कर देगा, ठीक है। फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए स्थान उपलब्ध हो जाएगा, और हमने जितनी ऊर्जा उस तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निकाल बाहर करी है वो कहलाएगी हमारी क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए हमने जो ऊर्जा निकाली है ना, वो इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्योंकि केवल 1 इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा रही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, प्रवेश करा रही है, तो इसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर क्या कर पा रहा है, प्रवेश कर पा रहा है। तो बहुत सीधी सी बात हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए हमने जो ऊर्जा निकाली वो ऊर्जा हमारी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता के रूप में जानी जाएगी। बच्चों इसके लिए जो इक्वेशन मैं आपके सामने रिटन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए और वो समझिए। सपोज अगर मैं बोलूं आपके पास कोई मेटल है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करने के लिए आपने जो एनर्जी है ना रिलीज कर ली, वो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, और जो एलिमेंट होगा वो आपका नेगेटिवली चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक इक्वेशन हमने लिखा कि हमने एक नॉर्मल मेटल में इलेक्ट्रॉन डाला, तो जितनी ऊर्जा आपने निकाली ना, ये ऊर्जा कहलाएगी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये कहलाएगी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। इसी तरह से मैं द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बच्चों, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता की एक बात है कि ये सदैव धनात्मक होती है ना। आप याद रखेंगे कि जो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता सदैव कैसी होती है, धनात्मक, ये सदैव धनात्मक होती है।
इलेक्ट्रॉन बंद होता है ये सदैव धनात्मक होती है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने क्या करना चाहा, प्रवेश कराना, तो इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम तत्व से ऊर्जा को बाहर निकालते हैं ना, हमको तत्व से ऊर्जा को क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। और यही एक महत्वपूर्ण रीजन भी है कि जो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंद होता है वो सदैव धनात्मक होती है। बच्चों द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता की मैं आपके सामने बात करूंगा, स्टॉप कर दीजिए। हाँ तो बच्चों मैं आपको द्वितीय आयनियन ऊर्जा के बारे में बता रहा था, जल्दी से हम द्वितीय आयनियन ऊर्जा को भी समझ लेते हैं। बच्चों द्वितीय आयनियन ऊर्जा के लिए मैं एग्जांपल ऑक्सीजन 8 का ले लेता हूँ, एथल इसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फिग्रेशन 2N6। बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का परमाणु है, इसका नाभिक, ये पहला कोश और ये है दूसरा कोश। बच्चों अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि दूसरे वाले में इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन मैंने इंसर्ट कर दिए हैं पूरे, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो बच्चों हमारे पास 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, एक ये है, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मैं और ले लेता हूँ, ये हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। बच्चों हमको एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर और दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी इसके अंदर इंसर्ट कराना है। हम जब पहले इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो बच्चों हम वही करेंगे कि ये जो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, हमको इनसे ऊर्जा की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन को मैं प्रवेश कराना चाहता हूं तो ऊर्जा की मात्रा मैं निकाल दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, मैं ऊर्जा की जो मात्रा निकालूंगा वो कहलाएगी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, मैं उसको E1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। इस पर एक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा तत्व पर। अब एक ऋण आवेशित आयन पर अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी प्रवेश कराना चाहता हूं तो बच्चों अब इस इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को निकालना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि मैं अभी भी उससे ऊर्जा निकाल लूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा सुस्त हो जाएंगे और लेजी हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जाकर नाभिक में ही क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और विस्फोट के साथ जो तत्व होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम अब तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा निकालने की बजाय हम इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जिसको कि प्रवेश कराना चाहते हैं, बच्चों हम इतनी अतिरिक्त ऊर्जा देंगे कि वो आसानी से इसके अंदर क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। तो किसी साधन से हम इसको इतनी पर्याप्त ऊर्जा देंगे कि यह सरलता से इसके अंदर इंसर्ट कर जाए। तो ऊर्जा की वो मात्रा अब इस तत्व को जो हम देंगे ताकि वो इसके अंदर प्रवेश कर जाए, वो हमारी कहलाएगी द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। बच्चों यहां पर समझने वाली बात यही है कि जो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता वो तत्व से निकालने पर प्राप्त हो रही थी, और यही वजह था कि ये हमको सदैव कैसी प्राप्त हो रही थी, धनात्मक। जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ये हमको कैसी प्राप्त होने वाली है, ये हमको ऋणात्मक प्राप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, इसको ऊर्जा बाह्य स्रोत से देनी पड़ रही है। तो आपको अपने दिमाग में बच्चे ये चीज समझ के रखना है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो धनात्मक होती है, जबकि द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता सदैव ऋणात्मक होती है। बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता की मैं आपको आवर्तता भी एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तता, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तीयता, बच्चों अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तीयता की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तीयता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम आवर्तीयता की बात करेंगे आप इसको दो संदर्भ में समझाएंगे। पहले संदर्भ में आप इसको वर्गानुसार लेकर चलेंगे, और बच्चों दूसरे संदर्भ में हम इसको आवर्तानुसार लेकर चलेंगे। आवर्तानुसार संक्षिप्त में मैं आपके सामने बात रख देता हूं, बच्चों वर्गानुसार जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, तो ये क्या होती है, इसका जो मान है वो ध्यान से समझिएगा। वर्गानुसार जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है, ये सिंपल लैंग्वेज में बोल दें, ये क्या होती है, घटती है। यानी जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाती है।
चलते हैं, तो आवर्तानुसार बाएं से दाएं चलने पर ये इसका मान क्या होता है, बढ़ता है, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। हमको सिंपल सी बात है, हमको पर्याप्त कारण जानने हैं कि ऐसा क्या कारण है कि वर्गानुसार इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है और आवर्त के अनुसार इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो बच्चों मैं आपको वर्ग में पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि वर्ग के अनुसार क्यों बढ़ता है, वर्गानुसार। तो वर्गानुसार आपको याद रखना है, कोई भी एक वर्ग ले लेता हूं, मेरे पास वही मैं फर्स्ट वर्ग ले लेता हूं आपके सामने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जैसे तत्व मेरे पास हैं, परमाणु क्रमांक 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1, इसका 2N1, इसका 2, 8N1, इसका हो जाएगा 2, 8N1 और इसका हो जाएगा 2, 8 और 1 इसका हो जाएगा 2, 8, 18, 32, 18 और 1। तो बच्चे इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं, है ना, इस एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वर्ग है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझना चाहें तो यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए हमको 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे, और यही वजह कि मैं फर्स्ट वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता को एक्सप्लेन थोड़ा सा करना मुश्किल काम होगा। तो मैं वापस आपके सामने 17th ग्रुप ले लेता हूं। 17th ग्रुप को हम बोलते हैं हेलोजन परिवार, ठीक है, ये हेलोजन परिवार कहलाता है बच्चों। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन है, एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उसके बाद एस्टेटिन। ये जो एस्टेटिन है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको छोड़ता हूं। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53। बच्चों इस आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7, इसका हो जाएगा 2, 8 और 7 और इसका हो जाएगा 2, 8, 18, 8 और 7। इसी तरह से इसके अंतिम कोश में भी 7 आएगा। तो बच्चों इनके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होगी, आसानी से इनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो हमको फ्लोरीन से निकालनी होगी, उससे कम क्लोरीन से, उससे कम ब्रोमीन से और सबसे कम आयोडीन से। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों, तो बच्चों ये याद रखिए कि जब हम वर्गानुसार ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले परमाणु का जो क्रमांक है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बच्चों परमाणु क्रमांक बढ़ने से कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, और परमाणु का आकार बढ़ेगा बच्चों तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। फिर वही चीज है, परमाणु त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो एक बड़े आकार के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना भी सरल होगा, और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि किसी भी वर्ग में, है ना, किसी भी वर्ग में वर्गानुसार ऊपर से नीचे चलने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता उसका मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर सरलता से प्रवेश करेगा तो हम कम से कम ऊर्जा निकालकर ये इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा पाएंगे, ठीक है। जबकि आवर्त के लिए मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बच्चों आवर्त में मैं वही ले रहा हूं द्वितीय आवर्त को, द्वितीय आवर्त में सबसे पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन जैसे तत्व शामिल हैं। इसका परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7 और इसका हो जाएगा 2 और 8। तो बच्चों इसका तो अष्टक पूर्ण है इसलिए इसकी हम बात नहीं करेंगे, जबकि हम अगर बाकी सभी में देखें तो हम जब बाएं से दाएं चल रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हम फ्लोरीन के लिए अगर प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, यहां पर 2 प्रवेश करेंगे, यहां पर 3 प्रवेश करेंगे। तो हम अगर इनकी बात करते हैं ना तो वही चीज हम देख पाते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का क्रमांक है वो बढ़ता है। बच्चों अगर परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है लेकिन कोषों की संख्या कैसी है, सभी में स्थिर है। अगर कोषों की संख्या स्थिर है तो आप देख सकते हैं कि अंतिम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, अंतिम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, जबकि नाभिक में धनात्मक आवेश बढ़ रहा है। तो क्या होगा बच्चों, तो विपरीत आवेश बढ़ रहे हैं, तो नाभिकीय आकर्षण जो होगा अंतिम इलेक्ट्रॉनों पर वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनमें संकुचन होगा। और मैंने आपको बताया था बच्चों संकुचन के कारण जो तत्व के परमाणु का जो आकार है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, छोटा होता जाता, और छोटे आकार के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना कठिन काम हो जाएगा। तो हमको ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा मात्रा निकालनी पड़ेगी, और यही वजह है बच्चों कि द्वितीय आवर्त में या किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, बढ़ेगा।
क्योंकि जब परमाणु का आकार छोटा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ज्यादा निकट आ चुका होगा, और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता हमको अधिक प्राप्त